केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक द्वारा जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आज मंत्री के समर्थकों ने पुलिस कप्तान ऑफिस पहुंचकर आरोप लगाया कि प्रदीप माही, जो स्वयं को पत्रकार बताता है, उनकी जमीन कब्जाने की कोशिश में लगा है। राज्य मंत्री जब उन लोगों का साथ दे रहे हैं तो उनके खिलाफ भी वह शिकायत कर रहा है। इन लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि प्रदीप माही ने अपने साथियों संग सुरेश के घर पर हमला कर मारपीट की और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। थाने ने प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। ये वाक्या 3 सितंबर का है। वही मामला चूंकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा से जुड़ा है, लिहाजा प्रदीप माही के शिकायत पर अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। प्रदीप का कहना है कि इस मामले को अब नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बीते दिवस ही योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक का वह ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह प्रदीप माही को बर्बाद करने व 7 पीढ़ियां याद रखने की धमकियां देते सुनाई दे रहे हैं। पहले सुनिए वह ऑडियो। वहाँ तो दिन 7 पीढ़ी याद रखेगी तेरी। भाई साहब धमका तो दिया मुझे, तुझे ऐसा कर दूंगा मैं, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा मेरी, तेरी तू और बुराई में। हाँ, यो कसर हो रही है, यो कसर हो रही है, इसे इसोल कर लो। क्या नहीं, यो कसर हो रही है, ये भी तुझे बोल रहा ना फोन पे। क्यों, आप कैसे बोल रहे भाई साहब, समझ गया। हाँ, तुझे ऐसा कर दूंगा, तुझे तुझे सोच रहा ना कि तू यो व्यक्तिगत मैं ले जाऊंगा, फिर अपने आप पे ध्यान कर लिया। आप व्यक्तिगत लेना क्यों चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा आपको। जो आप जो मुझे नकली नोट में जेल में बताना चाह रहे हो, मुझे क्यों लेना चाह रहे हो। पंच मेरे बाप रहेंगे, पंच मैं बनूंगा, जेल पंच मेरे नौकरी के, पंच मेरे बाप बनेंगे, मैं बनूंगा। है पंच तो लेके आओ, पंच किन्हें लेके आऊं। आप कहते हो 12 बजे यहाँ लेके आना, घर तुम्हारे घर, तुम्हारे घर पे आते हुए आपने 12 बजे तक घर गाँव में आ रहा हूँ। गाँव में मैं तो बैठा हूँ, मैं तो अब बैठा हूँ। लिया आप पहुंचो गाँव में, कौन मने कर रहा आपसे, कोई भागना पीछे से, कोई भागना जा रहा है निकल के। नहीं तो तू तो लू कह रहा, मैं नहीं आने का, मैं नहीं आने का। क्यों नहीं आने का भाई, तू ही तो मैं रहूंगा भाई, मैं वही रहूंगा, ठीक है नहीं जी। हाँ तो तू आज क्या बजे पहुंचू बता। आओ पहुंचो, आप जिस टाइम जल्दी लग रहे हो। समय नहीं, तू समय बता ना। समय तो तुमने दे रखा 12 बजे का। 12 बजे पहुंच रहा, चल मैं वही पहुंचो। क्या टाइम हो रहा भाई, देखो पहुंचो। ऐसा मेरे से निकलने में मुझे 1 घंटा लगेगा, जितना भी टाइम लगे, जितना भी लगे आपको, ठीक है नहीं जी। 1 घंटे में वही पहुंच रहा मैं, पहुंच जाओ बिल्कुल। ठीक है चलो भाई, चलो भाई चलो। शुक्रवार को पक्का तालाब मवाना निवासी सुरेश के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक पुलिस ऑफिस पहुंचे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन से जुड़े इस मामले में मंत्री दिनेश खटीक को बिना वजह घसीटा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में शामिल कशिश ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट टीवी को दी। मेरा नाम कशिश है, हम अपनी जमीन के मामले में आए हैं। मेरे बाबा जी ने जो जमीन ली थी उसमें से बाबा जी ने नाना जी के नाम कर दी थी, आज से दोस्ती में नाम कर दी थी। आज से 6 साल पहले नाना जी एक्सपायर हो गए, तो वो दोनों मामाओं के नाम आ गई। पैसा सारा मेरे बाबा जी का गया हुआ है, सब चीज गई हुई है, लेकिन मामाओं ने उसे बेच डाला और अब बेच के हमारे ऊपर हमें मारने की भी धमकी दे रहा है और हम घर पे आके सबके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेडीज के साथ में। और हम अगर मंत्री जी के पास गए हैं तो उल्टा मंत्री जी के ऊपर भी केस डाल रहा है। तो अगर सारे हमारे पास है, आज तक सारी हाउस टैक्स हम भर रहे हैं, पानी का बिल हम भर रहे हैं, आज तक अगर उसका कब्जा क्यों नहीं लिया। 32 साल से हम उसमें रह रहे हैं। मामा है हमारा प्रदीप कुमार मावी नाम है उनका, अपने आप को पत्रकार बताता है और एक सचिन है छोटे वाला, पैसे लेकर दिल्ली फरार हो गया। कप्तान साहब ने बोल दिया कि तुम्हारे पास स्टे नहीं है, तुम्हें कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है और तुम मौखिक रूप से कुछ भी करोगे। तीन सौ 365 गज है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।
Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut.